आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी ग्रेवी जिससे आप लगभग 50 तरह की सब्जियां बना सकते हो और वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और सबसे अहम बात पता है क्या है कि इसके अंदर लहसुन प्याज नहीं है। और आप उस इंसान को खिलाना जो लहसुन प्याज खाता है, लेकिन बस बताना नहीं है कि इसमें लहसुन प्याज नहीं डला, उसको भी पसंद आएगी, मेरी गारंटी है। तो चलिए मिलके बनाते हैं, टेक्निक से भरपूर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनस किचन में। इस ग्रेवी का बेस है टमाटर, तो यहाँ पे लिए मैंने टमाटर 1.5 किलो। और कौन सा वाला लिया है, हाइब्रिड वाला, ये देखिए जिनको सैलेड टमाटो कहा जाता है ना, वो वाले लेने हैं। ये देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पल्प ज़्यादा होता है, जूस कम होता है और ये खट्टा कम होता है। वैसे इस तरह के जो टमाटर जो हम आमतौर पर लेते हैं ये भी इतने खट्टे नहीं होते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि सब्जी थोड़ी सी खट्टी और तेज़ बनती है, तो हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। आप चाहें तो 75% ये वाले टमाटर ले लो, 25% ये टमाटर ले लो, 100% से भी ये ग्रेवी बन सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसका ये बैक पार्ट निकालते हैं और टमाटरों को 1/4, 1/5 इस तरह से काट लेंगे रफली। बिना लहसुन प्याज की ग्रेवी बन रही है, प्याज नहीं डाल रहे हो, टमाटर टमाटर की बनेगी, तो एक खट्टापन उसमें हमेशा बना रहेगा। तो ये दो चीज़ है ना, ये प्याज का काम कर सकती है। ये क्या करेगी, हल्का सा मीठापन लेके आए। शिमला मिर्च है 2 डालिए, इसकी खुशबू भी अलग आती है और इसमें एक मीठापन भी है। तो प्याज क्या करता है ग्रेवी के अंदर, मीठापन तो लेके आता है। तो इसको काट लेते हैं और हमेशा आपको बोलता हूँ, शिमला मिर्च जब भी इस्तेमाल करें पतली वाली लें, वो जो मोटी मोटी सी आती है ना उसमें टेस्ट नहीं होता ज़्यादा, ये पतली वाली शिमला मिर्च का इस्तेमाल करें। 2 ले लें या फिर आप 3 भी ले सकते हैं। यहाँ पर इसके बीज हटा लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ पर 4 हरी मिर्च है, बड़ी बड़ी सी है, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। हमको हरी मिर्च का तीखापन नहीं चाहिए, हमको हरी मिर्च की खुशबू चाहिए। तो अगर तीखापन है तो हल्का सा ये जो इसके बीज हैं ये भी निकाल सकते हैं आप यहाँ से, तो और तीखापन कम हो जाएगा। ग्रेवी हमको तीखी नहीं बनानी है। कोई सी भी ग्रेवी बनाएं हमेशा हैवी बॉटम के बर्तन में बनाएं। यहाँ पे 4 बड़े चम्मच में तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ग्रेवी के अंदर तेल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है जिसकी वजह से जल्दी पक जाती है, साथ में ये लंबे टाइम तक बची रहती है, ख़राब नहीं होती है। यहाँ पे कुछ साबुत खड़े मसाले का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, जैसे 10-12 लौंग, 10-12 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 3-4 हरी इलायची, 2 तेज़पत्ता और ये रहा दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, इसकी महक ग्रेवी में अच्छी नहीं लगती ज़्यादा। तेल गर्म हो गया है तो सबसे पहले साबुत खड़े मसाले डालेंगे सारे, लौंग से थोड़ा सा बच के क्योंकि लौंग थोड़ी सी फूटती है। खड़े मसालों की जब खुशबू आ जाए ना तब सबसे पहले शिमला मिर्च। तो यहाँ पे हमको धीमी धीमी आंच पे इनको फ्राई करना है और होगा क्या कि आपको खुशबू आने लग जाएगी शिमला मिर्च की यहीं पे। तो मुश्किल से 1 मिनट फ्राई करना है इसके और उसी बीच में हम यहाँ पे डालेंगे लगभग 15 से 20 काजू। काजू यहीं पे डाल दीजिए, काजू अगर ज़्यादा डालेंगे ना तो क्या होगा, ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, इसलिए हिसाब से काजू डालना है आपको। होटल्स के अंदर कॉस्ट कटिंग करने के लिए मगज मतलब कि वाटरमेलन सीड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। हमको तो कोई कॉस्ट कटिंग करनी नहीं है यहाँ पे, हमको घर पे बनाना है ना भाई, किसी को बेचना थोड़ी है। और ये काजू फ्राई हो रहे हैं तो आँच को धीमा ही रखना। और ये देखिए यहाँ पे काजू का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, अब इससे ज़्यादा नहीं करना है वरना कड़वापन आ जाएगा। यहीं पर डाल देते हैं हरी मिर्च और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर अदरक डाल देते हैं। अदरक को ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, रफली काटिए, हल्का सा भूनिए मुश्किल से 30 सेकेंड। अब बारी आती है डालने की टमाटर। सबसे पहले इसको ऊपर नीचे कर लीजिए एक बार, ऐसा करने से क्या होगा, नीचे का जलेगा नहीं कुछ भी। और पानी का इस्तेमाल नहीं करना है अभी, टमाटर के अंदर बहुत पानी है, उसी से पकाएंगे। और यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च का कलर देखिए आप, कितना प्यारा कलर आया, इतना फ्राई होना चाहिए तभी ग्रेवी में मज़ा आएगा। मसालों में हम यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हल्दी को बहुत ज़्यादा पकाया जाता है ना तो कालापन आ जाता है। ये रही सूखी लाल मिर्च जिसके बीज निकाल दिए थे मैंने, जिससे स्पाइसी नहीं होगी, और ये मिर्च वैसे भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इसको भिगो के रखा था लगभग 1-1.5 घंटा, सॉफ्ट हो गई है। इसको डालिए इसके अंदर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे पाउडर भी डालेंगे हम, लेकिन इसका इस्तेमाल भी करेंगे, टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। टेस्ट बढ़ाने के लिए धनिए के डंठले ये भी डाल दीजिए यहाँ पर, 2 छोटे चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, और यहाँ पे थोड़ा नमक भी डाल देते हैं जिससे कि टमाटर जल्दी गल भी जाएंगे। और अब इसको मिक्स करते हैं। वैसे धनिया, जीरा, ये बाकी चीज़ें भी मैं पाउडर में डालूंगा, लेकिन इसको भी डालिए, इससे टेस्ट डेवलप होता है ग्रेवी के अंदर। गैस की आंच को फुल कर देना और लगातार चलाना। और यहाँ पे देखिए टमाटर ने अपना पूरा पानी रिलीज़ कर दिया है यहाँ पर,
लेकिन टमाटर पूरी तरह से अभी कच्चे हैं, कहीं से भी नहीं पके हैं अभी। अगर ये टमाटर ऐसे ही कच्चे रह गए और हमने इसको ऐसे ही पीस लिया तो ये ग्रेवी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए इस ग्रेवी की सबसे अहम बात यही है कि टमाटरों का अच्छी तरह से पकना। पानी मत डालिए, टमाटर के अंदर खूब पानी होता है, उसी के पानी में पक जाएगा। वैसे भी घरों के अंदर जो गैस फ्लेम होती है वो बहुत तेज़ नहीं होती है। हाँ, होटल्स और रेस्टोरेंट के अंदर बन रही होती तो हम इसमें पानी डाल देते क्योंकि वहाँ पे गैस फ्लेम बहुत तेज़ होती है। आप चाहें तो इसको ढक भी सकते हैं, इसको कवर कर दीजिए और बीच बीच में स्टर भी कर सकते हैं। ग्रेवी को पकते हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं और बीच बीच में मैंने स्टर भी किया, वरना लग जाएगी ग्रेवी। और ये जो पानी निकलता है ना इसका भाप से, वापस इसी में डालना। टमाटर बिल्कुल मैश हो गए हैं। जिस भी टमाटर को आप दबाएंगे ना वो बिल्कुल दब जाना चाहिए, मैश हो जाना चाहिए इस तरह से। यही पहचान है इस ग्रेवी की। ये अगर ये हल्का सा भी हार्ड है तो मतलब टमाटर अभी कच्चा है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब गैस की फ्लेम को बंद करना है। अब इसमें जो बड़े बड़े खड़े मसाले हैं जैसे तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जो भी, या दालचीनी, आपको जो दिख रहा है उसको निकाल लीजिए, क्योंकि अगर वो साथ में पिस गया ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा, मज़ा नहीं आएगा फिर। तो ये दालचीनी का टुकड़ा निकाल दीजिए, तेज़पत्ता, ये लौंग दिख रही है लौंग, जो भी बड़े बड़े आपको खड़े मसाले दिख रहे हैं उनको हटा दीजिए। जब ग्रेवी का बेस ठंडा हो जाए तो उसको क्या करना है, उसको ग्राइंड करना है। तो यहाँ ग्राइंड कर लेते हैं हम। लेकिन फिर से एक बात, पानी मत डालना। पानी क्यों नहीं डालना आगे भी बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे ग्रेवी स्मूथली पिस चुकी है, ये देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको स्टेन करना ज़रूरी है तो आप स्टेन कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है। अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि इस ग्रेवी को दोबारा क्यों पका रहे हैं हम। ऑलरेडी हमने टमाटर को इतना पका लिया है, फिर दोबारा ग्रेवी को पकाने का क्या मतलब होता है। जब ग्रेवी एक बार पिसती है ना तो फिर से कच्चापन आ जाता है उसके अंदर। एक टेस्ट इसको कीजिए और जब ये पक जाएगी उसको टेस्ट करना, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक ऑल पर्पस ग्रेवी बन रही है तो इसमें मसाले डालना ज़रूरी है। यहाँ पे आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहा हूँ 3 छोटे चम्मच, ये स्पाइसी नहीं होती है लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। धनिया पाउडर डलेगा इसके अंदर लगभग 5 छोटे चम्मच, कच्चा जीरा पाउडर 2 छोटे चम्मच, और इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी और इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। तो चलिए दोबारा से ग्रेवी को पका लेते हैं। ग्रेवी को पकाने के लिए हमेशा हैवी बॉटम के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना चिपक जाती है। यहाँ पे मैं लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तेल यहाँ पे गर्म हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म मत करना क्योंकि सबसे पहले हम हींग का तड़का लगा रहे हैं, यहाँ और किसी भी चीज़ का हम तड़का नहीं लगाएंगे। 2 छोटे चम्मच हींग डाल दी है और उसके तुरंत बाद में यहाँ पे ये जो हमने घोल के रखा था मसाला वो डाल दीजिए। अब इस मसाले को धीमी आंच पर पकने दीजिए। तो यहाँ पे मसाले का कलर डार्क हो गया है, मतलब कि मसाला हमारा पक गया है और दानेदार हो गया है। ऑयल तो ऑलरेडी हमने ज़्यादा डाला था इसलिए ऊज आउट तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें डालनी है, 1 छोटा चम्मच चीनी। इससे ज़्यादा मत डालना वरना मीठा हो जाएगा। 1 छोटा चम्मच है, कुछ दाने हैं चीनी के, एक हल्की सी मिठास आएगी जो कि मसालेदार है ना तो इसको अनहांस करेगी, इसके मसालों को बैलेंस करेगी। बस अब यहाँ पर ग्रेवी डालेंगे हम। ये गई ग्रेवी, और किसी तरह के पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। पानी अगर डालोगे ना तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा छींटे मारेगी और आपका एरिया गंदा हो जाएगा। तो चलिए अब ग्रेवी को पका लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ग्रेवी छींटे मार रही है तो आप इस पर ढक्कन भी लगा सकते हो, और हो सके तो ग्रेवी बनाने के लिए किसी बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें। चलिए इस ग्रेवी को ढक के पका लेते हैं इस तरह से, और बीच बीच में स्टर करते रहना है इसको इस तरह से यहाँ पे, क्योंकि जो काजू का नेचर होता है ना वो बॉटम पे चिपकने वाला होता है। तो बीच बीच में इसको स्टर करते रहना, एरिया भी गंदा नहीं होगा, ग्रेवी भी पक जाएगी। चलिए ग्रेवी को देख लेते हैं, और ये देखिए ऑयल ऊज आउट हो गया, बाहर की तरफ आ गया है और ग्रेवी दानेदार हो गई है। लेकिन अभी ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, पानी का हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, इसके अंदर एक बूंद पानी नहीं डाली इसमें अभी तक। लेकिन इतनी गाढ़ी ग्रेवी हम नहीं रख सकते, अब पानी हमको डालना ही होगा। लेकिन ग्रेवी पक चुकी है, इस चीज़ की टेंशन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ग्रेवी में जाली दिखाई देगी, ये देखिए, ये इंडिकेशन है कि आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। अब सिर्फ पानी पकाना है, और पानी कौन सा डालना है, उबला हुआ पानी, बिल्कुल उबलता हुआ पानी डालना है। और कितना डालना है कि जितनी हमको इसकी कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए। तो चलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा उबलता हुआ पानी भी डाल दिया है, और अब इसको ढक के थोड़ी देर और पका लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर ग्रेवी हमारी हो चुकी है, देख लेते हैं। जो ऑयल ऊज आउट होके ऊपर बाहर आता है ना, इसको रोगन कहा जाता है। गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है यहाँ पे। अब इसको ठंडा होने दीजिए। वैसे ठंडा होने का प्रोसेस होता है, आइस बात लगा के भी आप ठंडा कर सकते हैं, मतलब इसकी तरफ बाहर की तरफ आइस लगा लीजिए, लगातार इसको स्टर करते रहिए तो जल्दी ठंडा हो जाता है ये। तो ग्रेवी यहाँ पर बिल्कुल ठंडी हो चुकी है,
जब ठंडी हो जाए उसके बाद ही इसको फ्रिज में रखना है। इसको पकाना जितना इम्पोर्टेंट था उतना ही इसको स्टोर रखना भी इम्पोर्टेंट है। ये जो ऑयल की लेयर देख रहे हो आप, ये ऊपर की तरफ आ जाती है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी ग्रेवी को। जब भी हमको ग्रेवी चाहिए तो हमको क्या करना है, ऐसे करके ऑयल को साइड में करना है और ग्रेवी निकालनी है। लास्ट में जब थोड़ी सी ग्रेवी बचेगी तो ये ऑयल बच जाएगा। इसका इस्तेमाल आप खाने में शाइन करने के लिए या फिर कोई दूसरा तड़का लगा रहे हो उसमें भी कर सकते हो। ग्रेवी को फ्रिज में रखना है, कवर करके रखना है। कभी भी कोई गीला बर्तन या गीला चम्मच इस पे मत लगाना, जल्दी ख़राब हो जाएगी। फ्रिज के अंदर आराम से 7 से 10 दिन तक ये चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ग्रेवी का टेक्सचर देखिए आप। अब झटपट से सिर्फ 5 मिनट में मटर पनीर बना के दिखाता हूँ आपको। 5 मिनट में मटर पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच तेल का लिया है। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो तेल गर्म हो गया है, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, जीरे को तड़कने दीजिए। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी यहीं पे डाल देते हैं। और ये रहा मटर, थोड़ी सी हल्दी 1/4 छोटी चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम मसाला बढ़ा रहे हैं, ग्रेवी में भी मसाला है वैसे, 1/2 छोटा चम्मच धनिया, इसको सौते कर लेते हैं। यहीं पे ऐड करूँगा मैं पनीर। पनीर मटर दोनों को मसाले के साथ में हम सौते कर रहे हैं बढ़िया सा, जिससे कि पनीर और मटर में दोनों में फ्लेवर आ जाए। सब्जी के हिसाब से नमक, मुश्किल से 2 से 3 मिनट पकाना है यहाँ पे इसको, मसाला पक जाए और भुन जाए मटर और पनीर। जब भी ग्रेवी का इस्तेमाल करना है तो ये रोगन को साइड में करना है और ग्रेवी उठानी है और ये इसमें डालनी है जितनी आपको चाहिए। ड्राई चाहिए तो कम डालिए और अगर ग्रेवी वाली चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब करते हैं इसको मिक्स। थोड़ा सा गर्म पानी डालते हैं, थोड़ी गाढ़ी लग रही है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल सकते हैं, क्रीम बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल मटर पनीर बना रहा हूँ। 1 उबाल आया और हमारी मटर पनीर रेडी हो जाएगी। और ये देखिए हमारी मटर पनीर रेडी हो गई है। मुँह में पानी आ रहा होगा आपके, इतनी जल्दी तैयार हुई है, मुश्किल से 5 मिनट, वो भी शानदार वाली। धनिया जाएगा इसके अंदर श्रद्धा अनुसार, गैस की फ्लेम हो गई बंद। ऐसी मटर पनीर की सब्जी आप बना सकते हो सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और ये देखिए कितनी शानदार मटर पनीर की सब्जी यहाँ पे रेडी हुई है, और बिल्कुल 5 मिनट के अंदर, और वो भी बिना लहसुन प्याज के। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।